नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह बोल्सकाई में आपका स्वागत है। लता मंगेशकर ने 6 फरवरी 2022 में आखिरी सांस ली। उनका जाना एक युग का अंत है। उन्होंने अपनी जिंदगी संगीत के नाम कर दी। यही वजह रही कि पूरी दुनिया उनकी मुरीद रही। लेकिन वो साउथ के सुपरस्टार शिवाजी गणेशन को बहुत मानती थी। उन्होंने शिवाजी को भाई का दर्जा दिया था। उन्होंने भी बहन का पूरा ध्यान रखा। इस सुपरस्टार ने चेन्नई में लता जी के लिए बंगला बनवाया, जिसे 2 महीने में तैयार किया गया था। जब लता जी चेन्नई जाती थी तो वहीं पर रुकती थी। तो आइए आपको बताते हैं ये पूरा किस्सा। लता मंगेशकर शिवाजी गणेशन को अपना भाई मानती थी। उन्होंने शिवाजी के बेटे प्रभु के लिए तमिल सॉन्ग भी गाया था, जिसके लिए लता जी ने कोई पैसे नहीं लिए थे। बताया जाता है कि लता जी एक्टर शिवाजी की फैन भी थी। वो और उनकी बहनें शिवाजी को अन्ना कहकर बुलाती थी। शिवाजी भी लता को बहुत प्यार करते थे। उन्होंने चेन्नई में स्वर कोकिला के लिए बंगला बनवा दिया था। शिवाजी के बेटे प्रभु ने खुलासा किया कि उनके पिता ने इस बंगले को 2 महीने में तैयार किया था। लता जी भी जब चेन्नई आती थी तो वो इसी बंगले में रुकती थी। उन्हें होटल का खाना नहीं पसंद था, इसलिए प्रभु की माँ उनके लिए खाना बनाती थी और पीने के लिए पानी भी उबाल कर देती थी। दिवाली के त्यौहार पर दोनों परिवारों की तरफ से गिफ्ट्स आते थे। ऐसा हर साल होता था।